नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ में, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। आज राजस्थान की राजनीति में दिन भर उठा पटक चलती रही। ऐसी स्थिति में सुबह से ही सीएम गेस्ट हाउस, सीएम आवास में विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका था। जो विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में थे, वो लगातार सीएम हाउस में आना शुरू हो गए थे। लेकिन सचिन पायलट पहले ही बता चुके थे कल ही कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो नाराज यहां पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं सचिन पायलट, और ये नाराज़गी कहां जाकर थमती है ये देखने वाली बात होगी। दिन भर ये उठापटक राजनीति की चलती रही। गहलोत और सचिन पायलट अपना अपना दमखम दिखाते रहे। वो आज काफ़ी कहीं ना कहीं एग्रेशन में थे, गुस्से में दिखाई दिए। और बात करें शाम ढलते ढलते, शाम होते होते, तो सीएम आवास के अंदर चार बसें थी जिनके की माध्यम से गेस्ट हाउस के अंदर जो अशोक गहलोत के साथी विधायक हैं उन सभी को गेस्ट हाउस में होटल के अंदर ले जाया जा रहा है, जिससे कि ये प्रयास कर सके गहलोत सरकार अपने सरकार को बचाने का। बताया जा रहा है कि अब तक की जानकारी के अनुसार 97 विधायक सचिन पायलट के अब तक विरोध में आ चुके, या यूं कहें कि अगेंस्ट में चल रहे अशोक गहलोत के साथ में हैं, और वहीं सचिन पायलट के साथ में 26 विधायक बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है अब तक की। गहलोत के साथ 97 विधायक हैं, वहीं सचिन पायलट के साथ में 26 विधायक बताए जा रहे हैं। इन सभी को बचाया रखा जा सके, और सुबह की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत ने अपना बहुमत दिखाते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अपने सभी विधायकों के साथ में पुष्टि कर दी थी। लेकिन शाम होते होते कुछ विधायकों का ऊपर नीचे होना, और अब अगर बात की जाए तो सचिन पायलट ने समझौते के लिए शर्त रख दी है। ये ढलती शाम की जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह सकते हैं इसको, सचिन पायलट ने कैबिनेट में 50% अपने विधायकों के साथ अपनी जगह मांगी है। ये अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और देखने वाली बात होगी। किस प्रकार से सचिन पायलट क्या कांग्रेस के साथ आने वाले समय में रह सकेंगे, या फिर सचिन पायलट का रास्ता अलग होगा और अशोक गहलोत का कांग्रेस के साथ में अलग होगा। ये 50% कैबिनेट में अपनी जगह मांग ली है, यानी कि 50% विधायकों के साथ उनका माहौल हो और बाकी के साथ में अशोक गहलोत का। क्या इस शर्त के साथ अशोक गहलोत सरकार मानेगी, वो भी ऐसी स्थिति में जहां 2-3 रोज से, और आज का जो राजनीतिक समीकरण रहा उसमें काफ़ी समय तक नाराज चलते रहे और उन्होंने विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लिया अशोक गहलोत ने। क्या सचिन पायलट की इस शर्त को माना जाएगा? क्या अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार सचिन पायलट के सामने झुकेगी, और क्या 50% पद, 50% कैबिनेट का दर्जा उनके विधायकों का आधा आधा मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। आज का ये महत्वपूर्ण कवरेज हमारे साथियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। तो खरी खरी खास बात धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान की राजनीति में सुबह जैसे ही हुई, लग रहा था कि सचिन पायलट जा सकते हैं कांग्रेस गहलोत सरकार से, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि अगर 50% उनको उसमें कैबिनेट में दर्जा मिलता है उनके साथियों के साथ में, तो वो सोच सकते हैं। ये ऐसी खबरें सूत्रों के माध्यम से निकल कर आ रही है। सचिन पायलट कैबिनेट में 50% जगह मांग रहे हैं अपने विधायकों के सामने। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सचिन पायलट ने समझौते के लिए शर्तें रखी है। देखने वाली बात होगी कि चाणक्य की तरह राजनीति करने वाले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एक बार फिर से कैसे अपने सरकार को क्या बचा पाएंगे, या सचिन पायलट इस सरकार को उखाड़ देंगे या पलट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए हमारी खबरों को, और हमारे प्रयास अगर आप अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे कवरेज को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतरीन कवरेज दे सकें।
आप हमारे साथ में विज्ञापन भी दे सकते हैं। 9992983422 पर आप वेब पोर्टल पर www.dhakarlivenews.com पर जाकर आप हमारी खबरों को पढ़ भी सकते हैं, साथ में YouTube पर आप हमारी खबरों को देख भी सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एवं विज्ञापन आप दे सकते हैं, हमारे दोनों जगह प्लेटफॉर्म पर आपके विज्ञापनों का आमंत्रण है। 50% कैबिनेट में उनके साथियों के साथ में उनको जगह चाहिए, 50% पद उनके विधायकों का हो, बाकी अन्य का हो। तो बना रही आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ इस महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति के खास खबर के साथ। आइए आपको देते हैं हमारे साथ इस न्यूज़ से विराम, लेकिन धाकड़ लाइव न्यूज़ का कभी विराम नहीं होता है, अनवरत रूप से धाकड़ लाइव न्यूज़ आपके साथ सेवा में जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।